वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें, लाइक शेयर भी करें, न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। मोहम्मद आमिर पाकिस्तानी क्रिकेट का वो उभरता हुआ सितारा है जिसने अपनी कारकर्दगी का लोहा पूरी दुनिया से मनवा लिया है और क्रिकेट माहिरीन मोहम्मद आमिर के ताबनाक मुस्तकबिल की पेशगोई में यक जबान है। अपने डेब्यू मैच से ही हरीफ बल्लेबाजों के विकेट उड़ाने वाला, बाएं हाथ से बाउलिंग करवाने वाला ये बॉलर अपने बचपन से ही क्रिकेट को जुनून की हद तक चाहता था। मोहम्मद आमिर का ताल्लुक पोठोहार रीजन के दौर दराज के एक गांव से है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये नौजवान क्रिकेटर किस तरह 17 साल की उम्र में ही टीम का हिस्सा बन गया। आखिर वो कौन था जिसने आमिर को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया? हम आमिर को तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आइए हम आपको इस शख्सियत का तारुफ करवाते हैं जिसने आमिर को सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने पास बुलाकर उसको रिहायश दी, खाना दिया और इसके साथ उसको गौहर नायाब बनने में मदद दी। ये शख्सियत हैं आसिफ बाजवा साहिब। जी हां, बाजवा साहिब का ताल्लुक रावलपिंडी से है और ये वहां क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं। आसिफ बाजवा साहिब को मोहम्मद आमिर अपना मोहसिन कहते हैं और बाकौल आमिर, अगर बाजवा साहिब न होते तो शायद मैं यहाँ इस मुकाम पर न होता। मोहम्मद आमिर आज भी अपने इस मोहसिन को नहीं भूला है और जब भी मौका मिलता है इनसे मिलने उनके घर चले जाता है। इसी तरह की एक मुलाकात की ताज़ा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है जिनसे आमिर और बाजवा साहिब के ताल्लुक का अंदाजा लगाया जा सकता है। अल्लाह ताला दोनों को खुशो खुर्रम रखे और इस मुल्क का नाम। वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें, लाइक शेयर भी करें, न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया।